दोस्तों हमने कई सारे प्रेडिक्शंस देखे हैं इस कोरोना वायरस के चलते, और यह सारे प्रेडिक्शंस भी जो दिखाए गए हैं वो सच होते हुए नज़र आ रहे हैं आज के सिनेरियो में। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही प्रेडिक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आप सबको काफ़ी हद तक चौंका देने वाला है। या दोस्तों जितने भी प्रेडिक्शंस हम डिस्कस करते हैं वो एक्चुअल में होते हुए नज़र आते हैं। हम इसे बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये सिर्फ एक बस वो एक्सीडेंटली हो गया नहीं, लेकिन अगर पीछे के जो प्रेडिक्शंस है उस अगर हम ध्यान से पढ़े, जो भी चीज़ें बुक्स में या कहीं पर भी जैसे कि कार्टून्स वगैरह में दिखाई गई है वो एक्चुअल में होता हुआ नज़र आता है। क्या दोस्तों आप लोगों ने कभी ये बात नोटिस की है अब तक कि कैसे इतने सारे प्रेडिक्शंस अचानक से सामने आ सकते हैं कोरोना वायरस के? क्या सच में कोई प्रीप्लान्ड एक्टिविटी है या फिर ये कोएक्सीडेंटली जगह बनाया गया है? आइए दोस्तों ये सब जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टेबल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को 2K सब्सक्राइबर रीच करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस कोरोना वायरस को लगभग 10 से 12 बार प्रेडिक्ट किया गया है मेरे अकॉर्डिंग। और तो और कुछ केसेस ऐसे भी है जो एक ऐसे पैंडेमिक डिजीज का सीक्वेंस शो करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि पूरा प्रीप्लान्ड एक्टिविटी है जो कोरोना वायरस सब समय में जगह बनाते जा रहा है। उसे देखकर तो ऐसे ही लगता है, जैसे कि 1720, 1820, 1920 और 2020 ये केस मैंने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया, आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि किसी ने प्लान किया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया हुआ इतने सीक्वेंस में जो ये हैपन हो रहा है। लेकिन जो ये आप अपने स्क्रीन पर बुक का पिक देख रहे हो ना, इसमें ही एक और कोरोना वायरस को प्रेडिक्ट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और बार कोरोना वायरस का प्रेडिक्शन सामने आया है। ये जो बुक है उसके ऑथर है सिल्विया ब्राउन। जी हाँ दोस्तों, सिल्विया ब्राउन एक अमेरिकन ऑथर है। अगर आप लोग सिल्विया ब्राउन के लाइफ के बारे में थोड़ा फोकस करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे सामने आएगी जो आपने सोचा भी ना होगा। एक्चुअली सिल्विया ने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हैं अपने कई सारे बुक्स में। जो सिल्विया ब्राउन ने उन्हें प्रेडिक्शंस और जो प्रोफेसीज होती है उन्हें लिखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। इन्होंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हैं अपने बुक्स में, लेकिन एक जो प्रेडिक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो दिल दहलाने वाला प्रेडिक्शन है। एक्चुअली सिल्विया ने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हैं, उनमें से कई सारे प्रेडिक्शंस लोगों का मानना है कि सिल्विया ने फेक प्रेडिक्शंस किए थे और उन्हें इस फेक प्रेडिक्शंस के चलते कई सारे टॉर्चर्स को झेलना भी पड़ा था। अब ये तो पक्का नहीं पता कि ये फेक थे या रियल थे, क्योंकि वो सबको हमें रिसर्च करना होगा। मैं डायरेक्टली ऐसे कोई भी चीज़ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने जो रिसर्च किया मैं उस बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से कोरोना वायरस का प्रेडिक्शन सिल्विया ब्राउन ने अपनी बुक में किया था। बट अनफॉर्चुनेटली सिल्विया ने 20 नवंबर 2013 को इस दुनिया से अलविदा कहा, लेकिन 2008 में जो इन्होंने बुक लिखा था आज से लगभग 12 साल पहले, जिसका टाइटल द एंड ऑफ डेज प्रेडिक्शंस एंड प्रोफेसीज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप बुक के नाम से ही समझ गए होंगे कि किसमें प्रेडिक्शंस है और एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह से दुनिया का अंत होगा। ये सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेन टॉपिक पर आते हैं। उसका जो पेज आप ध्यान से देखिएगा, मैं जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये जो पेज नंबर 312 है, इस पेज पर क्या लिखा गया ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए पूरा इसे ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इसमें लिखा है कि 2020 में एक न्यूमोनिया लाइक डिजीज आएगी और ग्लोबली स्प्रेड होगा, जो कि कोरोना वायरस हो रहा है एक्चुअल में। अप्रॉक्स 50+ कंट्रीज में कोरोना वायरस ने अपनी जगह बना ली है। साथ ही में इस बुक में यह भी लिखा है कि एक ऐसी डिजीज, ये वाली एक ऐसी डिजीज होगी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसे पूरी तरह से डैमेज करेगी और एक हद तक एक इंसान की डेथ हो सकती है। और इस डिजीज़ के बारे में ये भी बताया गया है, बट एक्चुअली इसमें नाम नहीं बताया गया, सिर्फ एक न्यूमोनिया लाइक डिजीज़ बोला जा रहा है। तो इसमें बताया गया कि ये डिजीज़ का क्योर नहीं होगा, जब भी कोई इसे दवाई दी जाएगी या वैक्सीन दिया जाएगा तो ये उसे रेजिस्ट करने में सक्सेसफुल होगा, मतलब कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और उस वैक्सीन या मेडिसिन का उस पर कोई असर नहीं होगा, इनडायरेक्टली इसका क्योर अवेलेबल नहीं होगा। और आज भी कोरोना वायरस का यही हाल है, इसका कोई भी क्योर नहीं है और कोई भी वैक्सीन अवेलेबल अब तक का तो नहीं है। डॉक्टर्स अभी भी ट्राई कर रहे हैं बट कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अगर सबसे मेन पॉइंट पर अगर आप लोगों को लेकर चलूँ तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे। इसमें यह बात लिखी हुई है कि ये जो बीमारी आएगी 2020, यहाँ पर पूरी तरह से मेंशन किया गया है एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें यह बताया गया है कि ये बीमारी यानी कि न्यूमोनिया लाइक डिजीज जो आएगी वो जिस तरह से आई है उसी तरह से एक ही बार में वैनिश हो जाएगी, मतलब कि बिना किसी वैक्सीन के, बिना किसी मेडिसिन के
इसे कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अपने मर्जी से ही आया और अपने मर्जी से ही ये बीमारी अपने आप अचानक से वैनिश हो जाएगी। लेकिन ये कब होगी, कैसे होगी, ये किसे नहीं पता। बस इतना मेंशन किया गया कि अचानक से वैनिश हो जाएगा और कोरोना वायरस भी मुझे लगता है कि इसी तरह से हो सकता है। लेकिन और बात अगर हम आगे देखें तो बताया गया कि 10 साल बाद ये फिर से अटैक करेगा और 10 साल बाद अटैक करने के बाद भी फिर ये अचानक से वैनिश हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो कितना शायद से प्रिसाइज है, यानी हम तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें प्रेडिक्ट तो किया गया है। अब देखना ये है कि प्रेडिक्शन सच होता है या नहीं। इतना तो सच हो गया है कि ये बीमारी ह्यूमन लाइक डिजीज़ आएगा और लोगों को इसका क्योर नहीं मिलेगा और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करेगा, इतना तो सच होता हुआ नज़र आ ही रहा है। बहुत ज़्यादा वायरल होता जा रहा है ये प्रेडिक्शन। कई सारे लोगों ने अपना ट्विटर पर इस बुक को लेकर के रिएक्शन भी एक्सप्रेस किया है। सिल्विया के प्रीवियस प्रेडिक्शन चाहे फेक हो या रियल, लेकिन जो 2008 में इन्होंने अपने बुक में प्रेडिक्शन किया था वो सच में दिखाई दे रहा है। इस प्रेडिक्शन को कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक फेक प्रेडिक्शन है। सिल्विया ने जो भी बताया गया है थोड़ा तो यहाँ पर अभी इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर कोरोना वायरस के वैक्सीन की बात करें तो वो अब तक के अवेलेबल नहीं है। जैसे कि इस प्रेडिक्शन में बताया गया है कि इस वायरस के वैक्सीन अवेलेबल हो या ना हो, ये वायरस अपने आप ही चले जाएगा, मतलब कि अचानक से वैनिश हो जाएगा। इतने सारे कंट्री जैसे कि सऊदी अरबिया, US, इटली, ईरान, इंडिया, जी हाँ दोस्तों इंडिया में भी 29 केसेस अब तक के डिटेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस इन्फेक्टेड के, और उसमें से अभी 3 क्योर हो भी गए हैं, मतलब कि 29 में से 3 क्योर हो चुके हैं। और कई सारे कंट्रीज़ हैं जो इस कोरोना वायरस से अफेक्टेड है। अब देखना यह है कि कब जल्द से जल्द इस वायरस को ख़त्म किया जाएगा। डॉक्टर्स भी इसे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब रिजल्ट्स बहुत जल्द मिल जाएंगे। होप रखना है कि ये प्रेडिक्शंस भी फ्यूचर में सच हो गए या फिर और भी प्रेडिक्शन सामने आ सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हो इस सब प्रेडिक्शन के बारे में और इस वीडियो के बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़, प्रेडिक्शंस और मिस्टीरियस चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।